आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हर चुनाव हमारे जीवन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है और हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो चीजें करने को जो हम जानते हैं कि वो सही है, पर वो हम जरूरी नहीं कि हम करना चाहें। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति श्रद्धा और आदर रखना चाहिए। और मुझे ये बहुत पसंद है जो एम्प्लीफाइड बाइबल में कई बार लिखा है भजन संहिता में, कि हमें वचन सुनना चाहिए, वचन ग्रहण करना चाहिए, वचन से प्रेम करना चाहिए और वचन की आज्ञा माननी चाहिए। तो बहुत से लोग ये सुनते हैं पर वो इसे ग्रहण नहीं करते, पर कुछ शायद ऐसे हैं जो इसे ग्रहण तो करते हैं पर वो उससे इतना प्रेम नहीं करते कि ये उन्हें प्रेरित करे ऐसा करने को। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि जब कभी भी आप सुनते हैं तो हमेशा आपको ये जरूरत है कि आप अपना मन बना लें कि आप किसी किस्म की हिदायत पाने वाले हैं, जिससे किसी किस्म के एक्शन की जरूरत है जब आप यहाँ से जाएं। आप देखिए, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ चीजें बाइबल में अंडरलाइन कर देते हैं और हम उसे मार्कर से रंग देते हैं, ये हमारे जीवन को नहीं बदलता। यहाँ तक कि सुनना भी वो नहीं है जो हमारे जीवन बदलता है, यदि हम जाने के लिए प्रेरित नहीं और परमेश्वर के अनुग्रह से उसे करने को जो हमने सुना है। और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, मुझे ये बहुत पसंद है। वचन में हमारे प्राण को बचाने के लिए निहित परमेश्वर के वचन के सामर्थ हैं। याकूब अध्याय 1 के अनुसार जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं उसके बाद आपकी आत्मा अच्छे रूप में होती है, यीशु आप में रहते हैं, तो आए उन्होंने हमारे अंदर सब कुछ साफ किया। पर ये हमारा प्राण है जिसे हमें अभी भी समस्या है, और हमारा प्राण है हमारा दिमाग, हमारी इच्छा, हमारी भावनाएं। और आज रात भीतरी जीवन के बारे में मैं शिक्षा देने वाली हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ताज़ा संचेत ना पाए कि आपके दो जीवन हैं। आपकी एक बाहरी जिंदगी है और आपकी एक भीतरी जिंदगी है। आपकी एक जिंदगी है जो हर कोई देखता है, और फिर आपकी जिंदगी है जो आपके लिए बहुत निजी है, जो केवल आप और परमेश्वर देखते हैं। हालांकि अन्य लोग शायद आपके भीतरी जीवन के परिणाम देखे, वो असल में आपकी भीतरी जिंदगी नहीं देख पाते। बहुत बार हम इसके प्रति सचेत नहीं होते कि हमारे भीतरी जीवन में क्या हो रहा है, या सचमुच ये नहीं सोचते कि इससे कुछ फर्क पड़ता है। पर आज मेरा एक प्रमुख लक्ष्य है, तो एक किस्म से मैं बस शुरुआत करना चाहती हूं कि आप किससे भरे, परमेश्वर से या स्वयं से। वहां कितनी नाराजगी और कड़वाहट अंदर चली जा रही है, अच्छे रवैये, बुरे रवैये। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भीतरी मनुष्य एक बहुत ही व्यस्त जगह है, जहां मेरा मतलब है ये चौंकाने वाला है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। हम उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, और सबसे पहले मैं कुछ समय बिताना चाहती हूँ असल में भीतरी जीवन की सच्चाई को स्थापित करने में, क्योंकि मेरे ख्याल से हम अपने जीवन में हम लंबे अरसे तक जा सकते हैं, और कुछ लोग शायद कभी नहीं समझदारी तक पहुंच पाएंगे कि उनका भीतरी जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और आज रात में यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आपका भीतरी जीवन आपके बाहरी जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप जहां कहीं भी, मैं आपको उपदेश दूंगी। हमारा बाहरी जीवन हमारी लोगों के साथ की प्रतिष्ठा है, पर हमारा भीतरी जीवन हमारी प्रतिष्ठा है स्वर्ग में, यह हमारी प्रतिष्ठा है परमेश्वर के संग। जैसा कि मैं कहना चाहूंगी कि आप इसे सजा धजा कर चर्च ले जा सकते हैं, आप इस पर गहने टांग सकते हैं, आप इस पर मेकअप लगा सकते हैं, हर चीज मैच कर सकते हैं, आप इस पर मुस्कान चिपका सकते हैं, पर यह किसी को कुछ नहीं बताता कि अंदर क्या हो रहा है। आप जानते हैं, मेरी तरह ही आप किसी की ओर देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि प्रभु की स्तुति है, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप में अंदर सोच क्या चल रही है। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये वो नहीं जो मैं उनसे कहती हूँ जिसके सचमुच मायने हैं, जब तक कि बेशक मैं बहुत ज्यादा वफादार हूं। जिससे यीशु को सचमुच बहुत समस्या हुई थी वो थे पाखंड और नकली लोग।
बाइबल उन्हें कहती है दिखावा करने वाले, इसलिए हम सबके लिए एक तमाशा कर सकते हैं, पर परमेश्वर सब जानते हैं। आमीन। और यदि आप सचमुच अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, जो मुझे यकीन है कि आप सचमुच चाहते हैं, यदि आप सचमुच अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और शांति चाहते हैं और आप स्वस्थ और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तब भीतरी जीवन का सही होना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता सकती हूँ, बहुत से लोग जो दिन खत्म होने पर निढाल हो जाते हैं, वो उससे थके नहीं जो शारीरिक रूप से उन्होंने उस दिन किया, वो उससे थके हुए जो पूरा दिन अंदर चलता रहता है उनके अंदर। आमीन। और मैं वास्तव में एक मसीह थी बहुत बहुत लंबे अरसे तक, उससे पहले कि मैं इसके प्रति जागरूक हुई, जो मेरे अंदर चल रहा है उससे सचमुच कोई फर्क पड़ता है मेरे ख्याल से? बहुत अन्य लोगों के साथ मैंने सोचा, खैर जब कोई नहीं जानता या जब तक कि मैं इस पर नियंत्रण रख सकती हूं तो फिर ये समस्या नहीं है। पर अब जानते हैं कि यीशु ने कहा कि यदि कोई पुरुष एक महिला को देखता है और उसकी लालसा करता है तो उसने पहले से ही व्यभिचार कर लिया है जहां तक उसके हृदय का सवाल है। इसलिए सचमुच हमारा वैचारिक जीवन, हमारे रवैये, वो बातें जो हमारे अंदर चलती रहती है, वो सचमुच बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बजाय उन चीजों के जो हमारे आसपास होती हैं। क्या आप जानते हैं कि आप प्रेरित पौलुस के प्रार्थनाओं का अध्ययन करें, और इसने मुझे चौंका दिया जब मैंने इसे देखा, और हर बार ये मुझे चौंकाता है जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ। आप प्रार्थना में कोई एक जगह नहीं ढूंढ सकते जो पौलुस ने प्रार्थना की फिलिपियों में, कुलुसियो, इफिसियों में, कलीसिया के लिए, जहां उसने प्रार्थना की कि उसकी समस्याएं हर जाए। उसने एक बार ही प्रार्थना नहीं की उसकी समस्या चली जाए, कि उसे समस्याएं नहीं होगी, कि उनके क्लेश और कठिनाइयां चली जाएगी। जो पौलुस ने हमेशा प्रार्थना की थी वो ये कि वो अच्छा स्वभाव रख के उसे बर्दाश्त करे जो भी आता है। इसलिए मैं बस आपको सुझाव देना चाहूंगी, हमारा अपनी समस्याओं के प्रति रवैया कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उन असुविधाओं के जो हमें समस्याओं से आती है। समस्या के प्रति हमारा रवैया कहीं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि हम अपनी समस्या के बारे में कैसा महसूस करते हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं, हम कैसे किसी से व्यवहार करते हैं, शायद जो हमसे कोई खास बढ़िया व्यवहार नहीं कर रहा, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे जो असुविधा हम महसूस करते हैं कि वे कैसे हमसे व्यवहार करते हैं। देखिए अब आप चीखने लगेंगे, इसलिए मैं किसी और विषय पर आती हूँ। आप उसे अब और सुनना नहीं चाहेंगे, क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? अब क्योंकि देखिए ये है जो होता है, और याकूब की किताब सचमुच इसे स्पष्ट करती है। पता है लोग हमेशा बेचैन हो जाते हैं जब आप याकूब एक पढ़ते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तो तुम पूरे आनंद की बातें समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास पर किए जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हर कोई बस कहता है वो वाला हम नहीं जो हम सबको दिखाते हैं, पर कुछ भी प्रकट नहीं करता कि हम असल में क्या है, जितना परीक्षाओं का एक दौर प्रकट करता है। पर इसलिए प्रेरित पत्रस ने कहा, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर जब मैं कुछ खरीदती हूं तो मैं जानना चाहती कि मुझे क्या मिल रहा है। शायद वहां किसी ने भी कोई गद्दा नहीं खरीदा होगा उस पर बिना लिटे। क्या आप मेरे जैसे उस तरह के लोग हैं कि आप गद्दे की दुकान में जाते हैं और आप कपड़ों समेत सभी बिस्तरों पर लेटते हैं और बस वहां लेटे रहते हैं? क्या कभी आपने कुर्सी खरीदी है बिना उस पर बैठे हुए, या कोई काउच खरीदा हो बिना उसमें बैठे? नहीं, हम एक तरह से ये जानना चाहते हैं कि हम क्या पा रहे हैं। पर हालांकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, वो हमारे साथ ऐसे दौरों में चलते हैं जैसे कि वो ना जानते हैं, और वो चाहते हैं
कहां जाएं तो हमारी गुणवत्ता की परख करते हैं ये देखने के लिए। क्या हम स्थिर रहेंगे उन्नति के उस अगले स्तर तक जिसके लिए हम याचना करते रहें, क्योंकि आप देखिए हर नया स्तर पेश करता है नया शैतान। तो यदि आप इस स्तर पर ठीक ठाक काम नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि आपको इससे उच्च स्तर पर तरक्की दी जाए, यदि आप शैतान से नहीं निपट रहे तो आप यहाँ ऊपर है इससे बेहतर तरीके से नहीं निपट पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? ठीक है, अब शायद यहाँ ऊपर 35 शास्त्र वचन है जो जाहिर है हम इन सबसे निपट नहीं पाएंगे, पर मैं जरूर ये चाहती हूँ कि आज रात हम बहुत से शास्त्र वचन पर गौर करें यदि आपको पुरानी शैली की बाइबल स्टडी की से ऐतराज ना हो तो। ठीक है, पर क्योंकि यह है जो मैं सोचती हूँ, मेरे ख्याल से जब आप इन्हें स्क्रीन पर दिखाते हैं और आप देखते हैं या आप इन्हें अपनी बाइबल खोलकर देखते हैं, तो मेरे लिए बढ़िया होता है कि मैं आपको इसका हवाला दूँ और ये बहुत ज्यादा करती हूँ। आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4:16, इसलिए हम हिवाम नहीं छोड़ते, पूरी तरह जोश रहित निठाल और भय द्वारा थके हुए, यदि अब ये हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। तो लगता है कि पौलुस ने कहा है, मैं बहुत से हालातों से गुजर रहा हूँ, ये कठिन है, मैं स्वयं को आईने में देखता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मेरी उम्र ढल रही है, पर क्या आप जानते हैं मैं हर दिन अंदर जवान दर जवान होता जा रहा हूँ। और मैं तुम्हें बस वैसे बताना चाहूंगा कि उन सालों की गिनती के बारे में जो आपने जी है, उम्र सालों के कॉम्बिनेशन से कहीं ज्यादा है, ये कहीं ज्यादा रवैये के बारे में। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जिसे संसार बुढ़ापा कहता है, जब वो आपको मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नया करने के लिए बेकार हो गए। ईमानदारी से कहूं तो आप कभी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि कुछ नया कर सकें। यदि परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ नया डाला है तो आपके लिए ज्यादा देर नहीं हुई, कभी भी देर नहीं होती दोबारा शुरुआत करने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप एक नया रवैया रखें, यदि आप एक ताजी सोच रखें, यदि आपके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए आप सचमुच जीना चाहते हैं और कुछ जिसमें कुछ सचमुच स्वयं को डालना चाहते हैं, आप इस भावना से नहीं घूमते रहेंगे ये सोचकर कि आप कितने बूढ़े हो गए हैं। मैं ईमानदारी से ऐसा महसूस करूंगी कि अब मैं ज्यादा जवान हूं बजाय जब मैं 40 के दशक में थी। और ये इसलिए है कि मैं लगातार वचन के दरमियान नई होती रही हूं, मुझमें अब बेहतर रवैया है बजाय जबकि मैं 40 वर्ष की थी। मेरे विचार कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय तब की जब मैं 40 वर्ष में थी। मेरे पास कहीं ज्यादा शांति है बजाय तब के जब मैं 40 के दशक में थी। इसलिए मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है पर मेरा हृदय जवान हो गया है, और इसलिए अब मैं असल में बेहतर महसूस करती हूँ बजाय के तब करती थी जब मैं 40 साल की हुआ करती थी। आज मेरा एक लक्ष्य है, मैं चाहती हूँ कि आज आप यहाँ से जाएं ये जानकर कि आपका भीतरी जीवन कितना महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से हमें भीतरी जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने की जरूरत है। हम हमेशा समर्पित करते हैं, पता है मैं स्वयं को समर्पित करती हूँ। खैर, आप अपना कौन सा भाग समर्पित करते हैं? कैसा रहेगा रवैया और विचार समर्पित करना और परमेश्वर के सामने एक स्वच्छ अंतरात्मा रखना, ये एक बहुत बढ़िया चीज होगी समर्पित करने की। और क्या आप ये जानते हैं, मेरा मतलब है कि आपके एक दोषी अंतरात्मा हो सकती है और आप हर समय भारी हृदय रख सकते हैं और लोगों को शायद ये पता ना हो, वो जानते हैं कि कुछ सही है, कुछ सही है, पर उन्हें सचमुच पता नहीं कि वो क्या है। आप में से कितने ये सोचते हैं कि ये सचमुच अच्छा रहता है कि कुछ समय निकालें और अपने भीतरी जीवन के बारे में बात करें और ये कि क्या हो रहा है। पता है हमेशा बात करने के बारे में बात करें, आप अपनी कार पर बम्पर स्टिकर लगा सकते हैं, अपनी बाइबल पर काम कर सकते हैं, और सचमुच वो मतलब है उसके कोई मायने नहीं होते। बाइबल में लिखा है आप उनको उनके फल से जानेंगे, तो ये वो है जो हमारे अंदर से आता है, जो हमारे अंदर है। वही बाहर खाता है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि हम घर पर कई बार कितना अलग व्यवहार करते हैं बजाय उनके जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में करते हैं। आप ये नहीं करते हो कि मैं उन लोगों को प्रचार करूंगी। ओके, अब हबक्कूक हमें बताता है जब हम
सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हों, तब हम असल में आत्मिक रूप से बढ़ रहे होते हैं, और ये कि वे हमारे लिए अच्छी दौर हैं। सो हबक्कूक 3:17-19 तक, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, और पता है हम जरूरी नहीं कि इन सब चीजों से संबंधित हो, क्योंकि आज ही हमारी संस्कृति नहीं है, पर आप बेशक इसे अपनी खुद की परिस्थिति में अनुवादित कर सकते हैं। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों। शायद हम कुछ इस तरह कह सकते हैं, जैसे पता है चाहे मैं अपनी नौकरी से बर्खास्त हो गया और मेरा बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड घर ले आया और इस पर 4 FS थे और 3 Ds। हालांकि प्रिंसिपल मुझे हफ्ते में एक बार फोन करते हैं इसलिए कि मेरा बच्चा स्कूल में बहुत शरारती और पता है मैंने अपनी उंगली तोड़वा ली, और पता है आप जो कुछ भी जानते हैं, तो भी मैं यह हुआ के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कृपया गौर करें, वहां 2 बार रहूंगा है एक बहुत ही छोटी वाक्य में। उसने ये नहीं कहा कि मेरा आनंदित होने को जी चाहता है, मेरी प्रशंसा करने को इच्छा होती है। उसने कहा मैं आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मैं रहूंगा। आपको स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल करनी होगी जो परमेश्वर ने आपको दी, कि आप बातें करना चुने जो आप जानते हैं कि आपके लिए अच्छी होगी, हालांकि आप उन्हें करना नहीं चाहते और उसे दोबारा कहने का हक मिलता है। तो ये रहा वो, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। ये उन महानतम वरदानों में से एक है जो हमें मिली है, पर हमारी जिम्मेदारियों में से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम चुनाव हमारे जीवन में एक किस्म का प्रभाव उत्पन्न करता है, और हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल करने की जरूरत होती है बातें करना चुनने के लिए जो हम जानते हैं कि सही है, पर जरूरी नहीं कि हम वो करना चाहते हैं। आप भावनाओं द्वारा नहीं रह सकते और अपने जीवन में कभी विजय नहीं पा सकते, आप बस ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी भावनाएं नहीं समझते और वे कभी कभी हमारी भावनाओं से हमदर्दी जताएंगे। भावनाएं बहुत कड़ी हो सकती है, पर हम सोचते हैं कि वो बहुत डगमगाती हो सकती है। वे आप एक दिन एक तरह के हो सकते, दूसरे दिन दूसरी तरह के। इसलिए मुझे बाइबल में वो सब स्थान पसंद है, मैं करूंगा। ये वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया, मैं इसमें आनंदित और प्रसन्न रहूंगा। मैं चाहूंगी यहाँ कुछ बताना, जितनी ज्यादा हम अपनी स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल करेंगे उन चीजों को चुनने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम चुने, तो उतना ही करना ये आसान हो जाता है। चलो अब वापस आए इस शास्त्र वचन पर। तो इस व्यक्ति को हर किस्म की समस्या है जो उसे हो सकती थी, और उसने कहा फिर भी मैं आनंदित रहूंगा, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, मेरी निजी वीरता, मेरी अभेद सेना। वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझे को मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है भय में स्थिर खड़े रहने के लिए नहीं। और यदि आप ये नहीं जानते कि वो ये जानवर हरिणों हैं, तो क्या है ये? एक किस्म की पहाड़ी बकरी है जो अपने पिछले पांव पर कूद सकती है अविश्वसनीय ऊंचाइयों से। इसलिए आप देखेंगे कि एक पर्वत जो सीधे ऊपर जा रहा है, आप सोचते हैं कैसे कोई इस पर चढ़ सकता है, पर यह विशेष जानवर अपनी पिछली टांगों पर कूद सकता है और बस जाता है ऐसे पुप पुप पुप। और हमें भी ऐसे ही होना जरूरी है, पर्वतों से ना डर कर उन्हें चढ़ने में सक्षम हो सके। अब ये देखे, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है भय में स्थिर रहने के लिए नहीं, पर चलने के लिए, और मुझसे आत्मिक तरक्की करवाता है, मुझे मेरे ऊंचे स्थानों के लिए कठिनाइयों, दुख उठाना और जिम्मेदारियां। यदि मुझे किसी विश्वासी से ये कहना हो तुम्हारे जीवन में सबसे ऊंची जगह कौन सी है, मुझे निश्चय ही जवाब नहीं मिलेगा। कठिनाइयों, दुख उठाना और जिम्मेदारियां, ये वो जवाब नहीं होंगे जो मुझे मिलेंगे। लोग पता है, खैर मुझे मेरी मर्जी मिलती है जब मैं बहुत शानदार महसूस करता हूँ, जब परमेश्वर की उपस्थिति से घिरा होता हूँ। पर जो वो ये कह रहा है वो ये नहीं कि परमेश्वर को बहुत पसंद आता है हमें मुसीबतों से घिरा रहना, वो नहीं। वो चाहते हैं, पर जब हमें मुसीबतें आती हैं, आप में से कितनों को समय समय पर मुसीबतें आती है, ओके ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैंने ये पता लगाया, सबको ये आती है, बेहतर है कि हम इसके बारे में बात करें, तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी सच नहीं है। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश आएंगे, धीरज रखो,
मैंने इस संसार को जीत लिया है, मैंने उसे उस शक्ति से वंचित किया है जो आपको हानि पहुंचाती है। हम कुछ चीजों से गुजर सकते हैं और बेहतर बाहर आ सकते हैं उससे जब हम इसमें गए थे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करेंगे। हमारी परीक्षा अलग तरीके से काम करती है। बजाय संसार की परीक्षाओं से यदि मैं अच्छा रवैया रखूं, और ये तभी काम करता है जब आप अच्छा रवैया रखें। यदि मैं एक अच्छा रवैया रखूं तो मैं असल में आत्मिक रूप से बढ़ूंगी उस कठिन दौर में। और आप जानते हैं कि क्या होता है जब आप आत्मिक रूप से बढ़ते, शायद आपके साथ वही होता हो 2 महीने बाद और आप इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते क्योंकि आप उसे कहीं ज्यादा मजबूत है जो आप पहले थे। चलिए भी मैं चाहती हूँ आप आज इसे समझ लें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी मांसपेशियों को ढाल लेते हैं, परमेश्वर हमें ढालते हैं। इसलिए कहा जाए तो संसार में बाहर निकलने के योग्य होने के लिए और असल में शैतान से टकराने के लिए और ये कहने के लिए मैं उस किसी भी बात से नहीं हारूंगा जो तुम सोचो। और ये पता है ये कठिन लगता है, पर ये इतनी कठिन नहीं बात जितना ज्यादा आपका विश्वास सुदृढ़ होता है। आप में से कितने कुछ कठिन हालातों से गुजर रहे हैं जिसने आपको बस हट जाना चाहिए और ये आपको एक सप्ताह के लिए अवसाद में डाल देता है। यही बढ़ना है लोगों, आमीन, यही बढ़ना होता है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा है कि लोग सोच सकते हैं कि वो धनवान है और फिर भी गरीब हो सकते हैं। इसलिए ऐसा लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। अब संसार में कितने लोग ऐसे, उनके पास पैसा है, अच्छी नौकरी है, सफलता है, उनके पास कार है, अच्छे पड़ोसी है, अच्छे दोस्त है और वे सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग जिन्हें वो धर्म चाहिए जो बस एक बैसाखी है, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और वे कहता है और ये नहीं जानता कि तू अभाग और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है पूरी तरह से। वाओ, मैं आपके बारे में नहीं जानती पर मुझे खुशी है कि मैं यीशु को जानती हूँ, आमीन। और परमेश्वर के बारे में अच्छी बात यह है कि यदि आप उन्हें पहला रखें, आप उनके साथ अपने रिश्ते को पहला रखें, बाइबल में लिखा है कि पहले तुम राज्य की भाल करो और वो बाकी चीजें जोड़ देंगे। राज्य को प्राप्त करना अच्छा है और कुछ अच्छी चीजें, पर बहुत भयंकर होता है वो चीजें पाना और पूरी तरह खोए रहना और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन ना गुजारना, आमीन। पर मुद्दा यह है, चाहे आपके पास कुछ भी हो, मैं ये सब इतना ज्यादा इसलिए कह रही हूँ उन लोगों के लिए जो टीवी पर देख रहे हैं, चाहे आपके पास कुछ भी हो, तुम अभागे हो, गरीब हो, अंधे हो, नीच हो और नंगे हो पूरी तरह से यदि मसीह आपके जीवन में नहीं है। शायद आप कहें कि मेरे पास 2 जीवन है, हमारा भीतरी जीवन और हमारा बाहरी जीवन, वे बातें जो हमें अंदर होती रहती हैं और वे बातें जो हमारी इर्द गिर्द होती है। और सोचिए इसके बारे में, हमारा भीतरी जीवन परमेश्वर के साथ हमारी प्रतिष्ठा है। कई बार हमारे अलावा केवल वही है जो जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है और हमारा बाहरी जीवन लोगों के साथ हमारी प्रतिष्ठा है। आप किस पर केंद्रित है? यदि आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आपके भीतरी विचार और रवैयों को परमेश्वर को समर्पित होने की जरूरत है। और मैं जानती हूँ कि यह हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी वापस आती हूँ एक छोटी सी चीज के साथ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अपने पार्टनर को ये बता दूं कि हमारे लिए क्या मायने हैं। और यदि आप हमारे मिनिस्ट्री के पार्टनर हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके लिए कल प्रार्थना की, मैंने आज आपके लिए प्रार्थना की। असल में यह हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए हर रोज़ प्रार्थना करती है। बिना हमारे भागीदारी के हमारे लिए संसार भर में दुखी लोगों की मदद करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ, यदि आप हमारे पार्टनर नहीं हैं, यदि आप पार्टनर बन जाएंगे, जिसका बस यही मतलब है कि आप उस सब के हिस्सेदार बन जाए जो हम कर रहे हैं, कि आप मिनिस्ट्री में बो रहे हैं आर्थिक रूप से नियमित तौर पर, और ये कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं वैसे ही जैसे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक बहुत बढ़िया बात है, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं बजाय उसके जो हम निजी तौर पर करते हैं। यदि आप इस सेवकाई की शिक्षाओं का आनंद लेते हैं, एक तरीका जिससे आप सचमुच आशीष दे सकते हैं वो है, और मेरा मानना है कि आप शिक्षा से कहीं और ज्यादा हासिल कर सकते हैं जो हम पेश कर रहे हैं, यदि आप हमारे भागीदार बने और शामिल हो जाए, ना केवल ग्रहण करने में पर सहायता करने में भी। इसलिए आप हमें फोन कर सकते हैं या ऑनलाइन आ सकते हैं, बस प्रार्थना मई होकर पार्टनरशिप पर विचार करें, मेरे लिए इसके बहुत ज्यादा मायने हैं।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।